कितनी उम्र हो रही है आपकी? 53। कितनी उम्र हो रही है? 53। ठीक है, क्या आप कहाँ से आते हैं? आप वैशाली से। पास है या दूर है? दूर है। पास के लोग भी हैं, दूर के लोग भी हैं, मेहनत करके आ रहे हैं। सही है गलत है? तो फल तो मिलना ही था, देखते हैं आगे जाते हैं क्या फल मिला इनको। तो क्या क्या दिक्कत परेशानी थी आपको सर जी यहाँ पर आने से पहले? मेरे शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन था, मैं कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकता था हाथों से। और जब किसी ने मुझे बताया, वो बिचारी यहाँ पे नहीं, तो केवल उन्होंने मेरे को बताया कि आगे जाइए। एक बार उनके लिए ताली बजा दी जिन्होंने उसे बताया। चाहे जहाँ भी हो वो इंसान हमेशा सदा ही खुश रहे। और उन्होंने बताया कि आप पहुँच जाएंगे तो मैं यहाँ पे पता कर सकती हूँ। ज्यादा पता है आपके शरीर के बारे में, तो पता लगे मैं बीमार हूँ, पर मुझे ये पता नहीं है किसी के लक्षण क्या है। तो फिर मैं यहाँ पे आया तो सबसे पहले आपका उसने सूर्या के बारे में यहाँ पे एक सेमिनार चल रहा था, इतना मैं मैडम मिल गई। तो मैडम ने मुझे मोटिवेशन किया। मोटिवेशन करने के बाद मैंने अनगले ढंग से मैंने कहा करे आपसे थेरेपी करानी, मैंने कहा मैंने कहा कल आऊँगा, कह रही आज आप आज ही करवाइए। मैडम ने मेरे को टोका दिया, मैं टोका देकर बाहर निकल रहा था। मैडम ने कहा ये राउट नहीं है हमारे पास, तो नाम से नहीं आप टोका लेके बैठे, फिर मैं बैठ गया। फिर उसके बाद अगले दिन फिर आ गया। फिर आप सभी लोगों ने बोला कि दो फोटो लिए, मुझे तो आना ही नहीं था, नेगेटिव थिंग्स थे मैं। फिर जो है मैं एक दो दिन ऐसे काम कर रहा हूँ, क्योंकि इस बीच मुझे आराम मिलना शुरू हो गया। दूसरे तीसरे दिन से मैं कंटिन्यूस यहाँ पे आता गया और मुझे 10-12 दिन से बिल्कुल फायदा हो गया। फिर मेरे हाथ जो जितने भी थे मूवमेंट करने लगे थे, कि मेरी विशेष भी इनको पता है कि मैं रात कैसे सोता था। दोनों हाथों पर मेरी यहाँ पट्टियाँ बनती थी और तब मैं उल्टा सोता था, रात को पट्टी किसल करते थे, रात में करा था। मैंने भगवान की दया से आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत आराम मिला है। ताली नहीं बजनी थी, जो चमत्कार हो गया। थैंक यू। अब कृष्ण और कन्हैया, राम और श्याम तो आएंगे नहीं हाथ सर पे हाथ रखने, तो उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया है हमारे देश में, हमारी दुनिया में, हमारी पृथ्वी पे, कि भैया अगर सही जगह सही चीज परख ली तुमने, माना तुम दो दिन नेगेटिव थे, जैसे भैया हमारे नेगेटिव थे दो दिन, लग रहा था होता है सबके साथ होता है। आखिर एक और बात, मेरे से ज्यादा नकारात्मक सोच भी नहीं सीखी। सही हो ना कि कहाँ पर जा रहे हो, है ना? तो जा रहे हो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर जब इन्होंने कहा कि साबुन लगाना है, तो मुझे लगा देखा इन्होंने ये मुझे लगा, फिर ये इनको इन्होंने क्या कहा। फिर अगला कमेंट क्या था जब आपको आराम पहुंचा? इन्होंने जब यहाँ पे आए थे ना कमेंट क्या था, मैंने तो यार ये क्या हो रहा, मैं भी जाऊंगी। एक दिन आई फिर उसके बाद जो है किसी ने लगा था। देखिए अब आपके सामने है कि जो इंसान घर के अंदर कह रहा था कि अपने हस्बैंड को कि कहाँ जा रहा है, और आज ये इंडोमिस की कृपा है, ये इंडोमिस की थेरेपी का असर है कि इंसान अपने हाथों से नहा रहा है, धो रहा है, सब कुछ काम कर रहा है अपने शरीर से। और जो इंसान बिल्कुल नकारात्मक था आपके बीच में, इंडोमिस ने उसको खींच लिया है। सही है गलत है? इसको घर से बुला ले वो कौन है, वो इंडो बेस्ट है, जो घर में कितना भी अलग विचार था, होता है चाहे मैं भी इनकी जगह होता तो भी मैं भी यही सोचता है, लेकिन इसके अंदर इतनी जान है, इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि घर में बैठे हुए इंसान को भी यहाँ पर ये बुला लेता है। सही है गलत है? कोई जबरदस्ती से आई है आप? नहीं, खुशी से या गम से आई है? इनको देखकर आपको खुशी है या गम है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों का धन्यवाद करने। हाँ दिख रहा है कलाकारी, इसमें आपकी दिल की ही दिख रही है, और ये बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। आगे देखते हैं हम जो भी होता है हेड ऑफिस का फैसला। ठीक है, इनको 75% टोटल है जो इनको आराम लगा है। कितना आराम लगा है? 75%। कितने दिन की थेरेपी में? अब मुझे आज से डेट में करीब एक महीना हो गया, पर 4-5 दिन तो 6-7 दिन की छुट्टियां तो हो गई। हाँ 20-22 दिन, लगभग एक महीने की थेरेपी में इनको 75% आराम आया है। ये जो दिक्कत आपको थी कितने दिन महीने साल से थी आपको? मुझे 6-7 महीने से थी, पहले मेरे एक शोल्डर का था, और ये शोल्डर बढ़ता जा रहा था, बहुत
बहुत पढ़ता था, फिर इस हाथ में दिया मैं कपड़े नहीं पहन पाता था, बटन नहीं लगा पाता था, कुछ नहीं। ये सारी समस्याएं इनको कितने दिन से थी? 6-7 महीने से थी, और 6-7 महीने की तकलीफ जो है पूरे 22 दिन के अंदर इनको 75% आराम आया है, तो क्या और 25% नहीं आएगा आराम इनको? आइए ना, आपको आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। देखो इनके लिए हम सबके लिए दुआ कर दीजिए, जो ये लोग आ रहे हैं लोग ठीक होंगे या नहीं होंगे तहे दिल से। आप आइए, कंटिन्यूस आइए, विश्वास से आइए। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबियत से उछाल के देखो यार, आओ तो सही यहाँ पे। क्या बात है, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे सभी आवाज के साथ। हमारे इंडोमेश के बारे में, जो हमारी अजीता मैम है, हमारे आपके बेटा बेटी समान हम लोग हैं, हमारे बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर आपके लिए तो मैं रोज क्लीनिंग तो आया कर रहा हूँ, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। आपके आपका जो मोटिवेशन है, आपको जो समझाने का तरीका है, जो आपका ट्रीटमेंट का तरीका है, इसके मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जियो हजारों साल।